पिछले एपिसोड में तुम सबने देखा मेरे और स्मार्टी में एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से फला जी भाग गया था। फला जी ने अपने अलग अलग प्रकार के फ्यूजन सेल्स बना लिए थे जो अभी पूरी तरह से हिमलाइट्स में अलग अलग टास्क कर रहे हैं। मतलब बेसिकली मुझे और स्मार्टी को पता चला कि फला जी अपने अलग अलग प्रकार के नाकी क्लोन अलग अलग सिमिलर पैटर्न के बंदे बना लेता है। इसके बारे में हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा डिस्कशन किया है पिछले एपिसोड के अंदर, तो देख लेना, टोटली सुपर डुपर ऑसम। और उसके बाद मैं और स्मार्टी स्प्लिट हो गए थे और मैं और ड्रीम बॉय चल पड़े थे बचाने के लिए हुगा लाला का वो ट्रैप, वो भी हुला लाला से। हुला लाला हुगा लाला को ट्रैप से बाहर निकालने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। उसके बाद मेरा डिस्ट्रक्शन ट्राइडेंट था ही और उससे ही वो कोशिश करने वाला था हुगा लाला को निकालने की। हुला लाला की पावर्स बहुत ज्यादा क्रीपी और अजीब हो रही थी और वो डिस्ट्रक्शन करने ही वाला था कि उसने पिछला एपिसोड देखना पड़ेगा। तो अब देखिए आगे। Guys, this is Zero Drip and welcome back to Himlands का और एक तहलका फेड़कता तड़का मारा हुआ awesome सा episode। अगर तुम लोग नए हो please make sure to subscribe। अगर तुम लोग नए भी हो और पुराने भी हो फिर भी leave a like, that will be super duper awesome, ताकि फटाफट वीडियो आ जाए and leave a like, that will be super duper awesome। 1,00,000 likes और फटाफट next video शुरू हो जाएगा। पर उससे पहले smarty boy problem आपको भी पता है, जनता को भी पता है, मेरे को भी पता है, हम लोगों को कुछ भी करके करना ही पड़ेगा एक परफेक्ट सॉल्यूशन कि वो ट्रैप में फंसा रहे वो बंदा। पता है ना यहाँ से लावा से आया हुआ। यार मेरे को तो ये लग रहा है ना कि हम लोग जितना ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटीज है कि वो ना वहां से बाहर निकल। तो बिल्कुल टाइम पास नहीं करते और प्रोफेसर से पूछते हैं कि भाई साहब तूने कुछ किया। मैंने उसको 2-3 काम दिए थे। मैंने उसको नेदर के अंदर, पता है आपको मशीन बिशीन हो गई है तो वहां पे भी काम दिया था मैंने उसको एक, और उसको मैंने बोला था कि मशीन तोड़ने का जरिया निकाल और उसके साथ अभी फिलहाल के लिए वो मजबूत करने का इलाका करना है हम लोग कुछ भी करके। लाइक अनब्रेकेबल ब्लॉक तोड़ने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी बना, वो बना सकता है भाई ये बंदा। I don't know, मैंने उसको पूछा बहुत बार पर वो बोल रहा है कि मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ वगैरह वगैरह, तो अभी पता नहीं मुश्किल होगा। एक तो आपको पता ही है ना ये सारे ये मशीनें सारे के सारे हमारे अच्छे रिसोर्सेस चूस रहा है, सब कुछ निकाल रहा है यार। और ऊपर से भाई फिर तो फलाना जी का हाथ है यार। अपना जो प्रोफेसर है ना ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बट फलाना जी है ये थोड़ा ज्यादा है, मतलब ये तेज दिमाग इस बंदे का, वो शाना है बहुत ज्यादा। टेक्नोलॉजी लाई ये अनब्रेकेबल ब्लॉक्स को बनाने की, अनप्लेसेबल ब्लॉक्स को बनाने के, भाई नो आइडिया, जो हम लोग अभी तक क्रैक नहीं कर पाए। वही तो। और ये टेक्नोलॉजी उसने आपने उसको पहले, उसका पहले से यही षड्यंत्र था जब गेम शुरू हुआ था, मतलब आपने जब हिमलैंड्स बनाया तब से उसका प्लान था ये। बिकॉज आपको पता है यहाँ पे अभी तक ऊपर अनब्रेकेबल है, ये ऊपर तोड़ नहीं सकते हम लोग गेट के ऊपर से। अरे गेट के साइड वाला कुछ भी नहीं तोड़ सकते। रो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे भी कोशिश करता हूँ, मेरे पास तो पिकैक्स भी नहीं है यार, मैं कुछ भी कोशिश कर रहा हूँ कुछ भी नहीं टूटता। वही तो, उसने इतना ज्यादा ये पहले से, मतलब जब ये सारी चीजें नहीं थी तब से कर रहा है ये प्रोफेसर। अभी रहा वो रहा कुछ तो कर रहा है सर। इसको क्या नया ये कंप्यूटर के साथ खेलने लगा है वो सब। है भाई हमको तेरी हेल्प चाहिए बहुत ज्यादा। हेलो हेलो हेलो, बंदा कहाँ पे, भाई कहाँ पे गिर के आया भाई तू, क्या हो गया भाई तेरे जीवन में, काली है नहीं कहाँ पे, किससे गुस्सा खाया भाई तूने, किससे गुस्सा खाया, गुस्सा अरे सच्ची में गुस्सा खाया भाई, बोल रहा है ये गुस्सा खाया तूने। एक मिनट एक मिनट, इसके वीसी में जाने हैं भाई हम। अरे तू चुप ना, जब तो बेचारा हम मतलब हम लोग देखो आ गई वो हंसी बेचारी अंदर से। आप बताओ क्या हुआ भाई, किस किस लड़की ने चाटा मारा, किसके मोबाइल लाइन मार रहे थे, चोरी पकड़ रहे हो, एक बार घूमे किसने मारा आपको। नहीं नहीं ये तो किसी लड़की का ही काम है भाई, आप हजारों सालों से तपस्या भंग करवा रहे हो भाई अपनी, क्या साइंटिस्ट है लड़कियां छेड़ने आया है क्या, क्या हो रहा है ये, यूनिवर्सिटी में जाके तो लड़कियां छेड़ता है। बोल भाई क्या किया तूने, अभी आप यहाँ पे आ जा भाई, यहाँ पे आ जा, यहाँ पे आके बात कर ले, बोल बोल क्या हुआ भाई तेरे साथ। ओके, हंसी के आंसू मेरे अभी सूखे नहीं थे कि भाई मुसीबत का पहाड़ गिर चुका है। स्मार्टी
इसको ज्यादा बदला लेने की आ गए एक्चुअली ना इस बंदे को विजर्ड ने पीला है मतलब विजर्ड आया और इसको मार के बेहोश करके भाग गया नेदर के अंदर और इसने फाइंड भी कर लिया था कि नेदर के अंदर कहाँ पे मशीन है जहाँ पे याद है तुम लोगों को मैंने वाटर बकेट का क्लच किया था बिकॉज अगर तुम लोगों को पता नहीं होगा तुम लोगों ने वीडियोस अच्छे से दिल से देखे नहीं है तो अभी हम लोग नेदर के अंदर प्लेस कर सकते हैं वाटर को अलग ही सीन चल रहा है मतलब लिटरली मुझे सब लोग वो हैकर बोल रहे थे भाई नेदर के अंदर पानी पर एक्चुअली में यही हो रहा है बिकॉज रिसोर्सेस सारे ना वो नष्ट कर रहा है और नेदर को अपना घर बना रहा है वो गोल्ड वाला बंदा जो आपका दोस्त हो गया है ऐसी देखो उसके साथ तो मैं करने वाला दोस्ती क्यों क्योंकि मुझ पे करता है विश्वास और इन द एंड उसको मैं पेल दूंगा भाई ये मुझे पता है उसने किया भाई वो सब कुछ यार और ये क्यों अंडे फोड़ रहा है भाई वो अपने अंडे फोड़ रहा है भाई इतना क्या अरे भाई विजर्ड ने कंप्लीट अरे रुक रुक सुन 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 तूने अभी बोला ना तेरे पास टेक्नोलॉजी है तेरे पास टेक्नोलॉजी है तूने बोला ना तो अभी देख देख इसकी ना शर्तें बहुत ज्यादा महंगी पड़ने वाली है भाई इसकी अभी शर्त है कि ये हम लोगों को मदद करेगा वो अनब्रेकेबल ब्लॉक्स के तोड़ने के लिए पर उससे पहले ये बोल रहा है कि वो मशीन तोड़ो किसी भी कीमत पे वहां पे वो विजर्ड जाके कुछ ना कुछ कर रहा था और इसको विजर्ड से बदला लेना है वो मशीन के शायद मुझे तो ऐसे लग रहा है ना और इसको एक्चुअली इसको ऐसे लग रहा है कि वो जो मशीन है ना उसकी वो गोल्ड वाले बंदे ने जिम्मेदारी विजर्ड को दी है अरे मेरे भाई मेरी बात सुन प्रोफेसर देख अगर हम लोग जो हम लोग करना चाहते हैं उसमें सक्सेसफुल हो गए तो विजर्ड से ऑटोमेटिकली बदला अपने आप निकल जाएगा तो क्यों हमको एक्स्ट्रा टास्क दे रहा है यार भाई तो बना देना जो हम तेरे को बोल रहे हैं जो एसबी ने बोला है काम तेरे को कर देना भाई प्लीज यार आप मना कर रहे हैं क्या बिल्कुल इसको गुस्सा इतना चढ़ा है कि भाई साहब पर तूने मशीन देखा उसी जहां पे मैंने वाटर क्लच किया था वहां पे ही है ना नेदर के अंदर जब हम लोग गए थे वहां पे भूतिया चीजें हो रही थी तो एक बार हम लोग नेदर में जाके चेक करके आए चलेगा हम लोग नेदर में जाके चेक करके आते हैं फिर तू सुना भाई कि तेरा प्लान क्या है तेरे प्लान को सुन लेंगे हम लोग आ जाओ स्मार्टी यहां पे एक काम करे तू साथ चलना हमारे विजिट होगा वहां पे आ जाना साथ चल भाई तू एक्सपेरिमेंट ही करता रहे प्लीज यार ठीक है तेरा काम फाइटिंग का नहीं है तू कर एक्सपेरिमेंट बाय बाय ये बिचारी इसके फाइटिंग नहीं होने वाली के नाम से यार ये तो भाई बंदा बिचारी की हालत खराब है उसकी मारपीट से चलो अभी देखते हैं गणपति अप्पा हो रिया नेदर में बहुत धमाके ना हो रिया चलो बेटा ओ भाई साहब ओ तेरी ये देखो कितना ग्लो कर रहा है ये क्या है आई अरे ऐसे लग रहा है अंडर वाटर आ चुके भाई गॉड यार अंडर वाटर नहीं है आग का वो ये फ्लेम्स है शायद रुक बाहर चल जा एक बारी स्वयं ही तू अग्नि देवा सीरियसली नीचे देखो भाई कितना ज्यादा वियर्ड लग रहा है और आपको वाइब्रेशन सुनाई दे रहे हैं अजीब से अभी तो हल्के हल्के आ रहे हैं ना अभी भी तो आसपास है कि कहां पे है वो मशीन उसने यार? लास्ट टाइम मैंने कहीं पे क्लच किया था यार मतलब मैंने पानी डाल दिया था और आपको देख आपने देखा वो ये देखो पानी यहाँ पे यही देखो गाइस इसका मेन सीन पता क्या है मैं तुम लोगों को बताता हूँ इसका मेन सीन ये है कि वो जो मशीन है वाइब्रेशंस कर रही है ना उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा इक्विलिब्रियम हिल चुका है जो माइनक्राफ्ट का जो मेन इक्विलिब्रियम है लाइक आप नेदर के अंदर क्या नहीं कर सकते हो वो आप कर पा रहे हो सब कुछ हिल चुका है भाई वाइब्रेशंस और इवन अंदर नेदर देखो ना पूरा का पूरा बस बहुत ज्यादा टेम्परेचर है ये मतलब नॉर्मल से ज्यादा एक्सट्रीम हो गया है ये वही गर्म हो गया क्या मुझे दिख रही है शायद मशीन वो देखो सामने यहाँ पे आ कहाँ पे आप ओ भाई कहाँ पे आप ये बंदा कहाँ पे ओ यहाँ पे आ जाओ यहाँ पे आ जाओ ओ भाई इसको क्या हो गया धैन हेलो ओ माय गुडनेस ये स्मार्टी हिल क्यों नहीं रहा इसको क्या हो गया अभी What the? Smarty का इंटरनेट गया या फिर कुछ और रसिया ओ भाई रसिया अरे भाई साहब क्या भाई इसका इंटरनेट गया भाई विजर्ड ने बाहर निकल दिया भाई अरे भाई विजर्ड ने जादू टोना कर दिया ये देखो यहाँ पे मशीन है
कहाँ पे? ये देखो ना मस्त सुंदर सी मशीन, मतलब सुंदर अजीब लग रही है। टेम्परेचर कितना बढ़ चुका है यहाँ पे, बहुत ज्यादा इस मशीन की वजह से। इसके वाइब्रेशंस भी आ रहे हैं अभी तक यहाँ पे। अरे बहुत ज्यादा आ रहे भाई अब तो। ओके, तो आज हम लोगों को किसी भी कीमत, मतलब हम लोगों को अगर आगे के मिशन करने हैं तो इसको तो डिस्ट्रॉय करना बनता है। और अगर हम लोग इसको कर पाए ना, इतना कूल लग रहा है। पर आई एम सो अभी करेंगे भाई डिस्ट्रॉय इसको। मैं पता नहीं, मुझे इस चीज के साथ इम्प्रेस होना चाहिए क्या कि ये बनाने वाले ने बनाया तो बहुत ऑसम है। इतनी बड़ी बड़ी होती है साइड में लगी हुई है जो, वही ना चेन वगैरह से प्रॉपरली बना के एकदम। चलो वाइब्रेशन हो रहे हैं, मैं तो जा रहा हूँ भाई। चलो उससे ही पूछते हैं भाई, उसने अगर वो ही इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा है ना कि नहीं नहीं इसको डिस्ट्रॉय करके बिना, तो उसको ही पूछते हैं भाई तेरे पास कुछ प्लान है या फिर ऐसी ही हवा में बातें कर रहा है वो। नहीं तो वो हवा में बातें करेगा और हमारी वाट लग जाएगी यहाँ पे। ये तो स्क्रीनशॉट वर्थी कंटेंट मैन। एक मिनट मुझे F1 जो हुलाहुल कर रहा है तुझे, तेरे पास कुछ आइडिया भी है कि कैसे हम लोग इसको तोड़ सकते हैं? बिकॉज वो अनब्रेकेबल ब्लॉक से बना है और अभी तो वहाँ पे लावा भी आ गया है। तुझे है, तेरे पास आइडिया है भाई? तेरे पास इस सारी चीजों के लिए आइडिया होता है। और जो मेन चीज तुझे बोली है एंटिटीज का वो जो ट्रैप था, वो अनब्रेकेबल ट्रैप टूटने को आया है, वो तूने नहीं किया अभी तक। क्या जिद्दी लौंडा है यार ये। चलो बता तो सही, अभी बता तो सही क्या करना है। तो स्मार्टी इसने अभी सब कुछ एक्सप्लेन तो किया है, पर आपने भी सुना है का थोड़ा वियर्डेस्ट है ये आइडिया। बिकॉज बहुत ज्यादा यार, मतलब इसका लॉजिक एक्चुअली मुझे समझ में आया कि ये अनब्रेकेबल ब्लॉक सिर्फ ऐसी चीजें तोड़ सकती है जो एक्चुअली माइनक्राफ्ट ने खुद इन्वेंट किया है। हम तो माइनक्राफ्ट के अंदर आए हैं एज अ प्लेयर। तो इसने बोला कि कोई तो मॉब्स है जो ये चीजें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं अनब्रेकेबल ब्लॉक। और बेसिकली जो फर्स्ट फेज है जो अभी चल रहा है नेदर के अंदर, वो फेज इजीली डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर हम लोग मॉब को लेके आए। तो ये बोल रहा है कि एंडर ड्रैगनी को लेके आ जाओ। कैसे लेके आए यार, क्योंकि सारे के सारे पोर्टल के फ्रेम मुझे समझ में नहीं आया भाई। बाकी तो मेरे पास है, बट एक हम लोग यहाँ पे लेके कैसे आए उसको? बोले एंडर ड्रैगनी चलती है क्या 9 से 12? ऐसे आएगी वो? नहीं आएगी। और इवन अभी दूसरा ऑप्शन है विदर वाला, तो विदर भी हम लोग अभी, इसको मैंने बोला कि विदर अभी सिंपली हम लोग स्पॉन करवा देंगे इजी वे। और ये बोल रहा है कि हम लोग विदर स्पॉन किया हुआ नहीं, नेचुरली स्पॉन हुआ विदर ही हम लोग ला सकते हैं अभी, क्योंकि कहीं पे स्पॉन होता ही नहीं है विदर, कभी नेचुरली स्पॉन नहीं होता भाई। कुछ सॉल्यूशन दे, जैसे आंखों से क्या दिख रहा है, फटी हुई आंखों से जल्दी बोल। इसके हाथों के ऊपर भी घाव लगे हैं यार, खून भी तो निकल रहा है कि एक बार घूम जरा पीछे तो नहीं तेरे घाव लगा पीठ में कहीं पे। पर यार तेरे पास सच्ची रास्ता नहीं है, तू विदर को हम लोग कहां से स्पॉन कर? हम लोग के पास देखो विदर स्कल्स बहुत सारे है, हम लोग डायरेक्टली स्पॉन करवा देते है ना। तो इसका रट्टा लगा है कि भाई नहीं नहीं नेचुरली स्पॉन होना चाहिए, नेचुरली स्पॉन वो ही करवा सकता है। कैस या स्माइटी ड्रीम बॉय का विदर सप्लाई करता है क्या? नहीं 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 नहीं, ड्रीम बॉय ने कोई तो एक विलेजर्स के ऊपर विदर अटैक कर रहे थे और उन उस विलेजर्स को ड्रीम बॉय ने बचाया था। अरे नहीं नहीं यार, किसी बंदे ने वहां पे विदर स्पॉन कर दिया। नहीं नहीं नहीं, वो बोल रहे, वो कुछ तो ड्रीम बॉय बोल रहा, जब किंगडम का वो किंग वगैरह था ना तब के टाइम पे वो विलेजर्स उसके पास हेल्प करने के लिए या फिर लाए थे। वो एक्चुअली कमेंट कर रहा था बहुत ज्यादा कि वो ऑटोमेटिकली, हम लोग एक बार पूछ ही लेते हैं ना, वो वहां पे ऑटोमेटिकली स्पॉन होते थे या ऑटोमेटिकली नहीं होते थे? किंगडम के आजू बाजू, तो किंगडम से यहाँ तक हम लोग उनको लेके कैसे आएंगे? लेकर कैसे आएंगे विदर को यार, तो हमको बैंड बजा देंगे। तेरे पास आइडिया इस चीज का भी कि इसका कुछ अलग ही चाहिए? वो तू इक्विपमेंट बना सकता है ना इस चीज के, तो उसके लिए क्या चाहिए तुझे? वो भी तू मन से ही लेगा ऑब्वियसली।
क्या चाहिए तुझे उसके लिए? चाइला इसको अभी एक टास्क के ऊपर टास्क दे रहा भाई, ये ओडिस का रघु है भाई, तो टकला बना ले भाई, तू ओडिस का रघु बनने के लिए लायक है भाई। ये रणविजय तो नहीं, इतना तो खूबसूरत तू है नहीं भाई। चलो स्मार्टी, हम लोगों को दो दो काम दिए अभी इसने, चलते आजा स्वाटी, हम लोगों को आई ऑफ एंडर लेके जाना है, और इसने बोला है कि आई ऑफ एंडर ले लो, और वो आई ऑफ एंडर यहाँ पे इसने कहीं पे भी विलेज के अंदर एक बना के रखा है, रेडस्टोन वाला कंस्ट्रक्शन, तो उसमें डाल के उसको कन्वर्ट करके देने है। मैं एक्चुअली अभी तो मैं एंडर चेस के लिए जा रहा हूँ बिकॉज आपके पास पर्ल्स तो होंगे ना पर्ल्स है मेरे पास भी पर्ल है तो आई गेस सो तीन चार बस हो जाएंगे ना विद है तीन ही ले लेते हैं या तीन बना देते हैं बस इनकाफी होंगे जितना ज्यादा लेंगे उतना टाइम वेस्ट होगा हाँ चलेगा फिर मेरे पास एक पर्ल है मैं सिर्फ एक चीज निकालने वाला हूँ जो आई थिंक सो हिमलैंड्स में पूरे हिमलैंड्स में सिर्फ हमारे पास है आपको भी पता है भाई हम लोग को वो नहीं चाहिए, हम लोग को सबसे इम्पोर्टेंट इज ब्लेज, सब ब्लेज उनका सट है मेरे पास भाई। याद आ गया मेरे को वो पुराने पल, अब मेरे को पुराना पल याद आ गया, बट कोई नहीं, चलो माफ कर दे, एक साल पहले की बात है वो। ये लो अभी आप इसने अच्छे दोस्त बनी गए हो, तो ये लो आपके लिए भी 16 का डोला, जी लो अपनी जिंदगी। फर्स्ट टाइम पे यार, फर्स्ट टाइम पे मिला है मेरे को ना, तब से लेकर आपको मैं और दो ये दे दो ना मुझे, और दो पल दे दो ना, मतलब मेरे पास तीन हो जाएंगे। वन टू लेट्स गो। ओके ये ले लो तब तक, एक आप भी रख ही लो, और ब्लेजर्स ये रहे मेरे पास दो है, आ जाओ। उससे बोला था कि नजदीक वाले विलेजेस, आपको एलाइटर चाहिए क्या भाई? दो है मेरे पास एक्स्ट्रा एलाइटर है, पकड़ा दो यार पकड़ा दो, ये लो जी लो अपनी जिंदगी, आपको नया नया वाला दे रहा हूँ। दोस्ती देख रहे हो मेरी, दोस्ती बहुत ज्यादा awesome। अरे क्या ऊपर नीचे कर रहे हो, अरे ये ले लो जी लो अपनी जिंदगी। थोड़ा इविल हो गया हमारे साथ रहता है ना, पर ठीक है बंदा, पर ठीक है होशियार है, बिकॉज इसका स्ट्रेटेजी मुझे थोड़ा सा ना लग रहा है अच्छा, बिकॉज हम तो बाहर से आए, हम तो वो ब्लॉक्स तोड़ नहीं सकते, पर ये बोल रहा है कि जो माइनक्राफ्ट ने बनाई हुई चीजें है वो तो एक दूसरे को तोड़ सकती है ना, और माइनक्राफ्ट में ब्लॉक्स तोड़ने में कौन कौन माहिर है? एक है क्रीपर, पर क्रीपर ज्यादा पावरफुल नहीं है, दूसरा है विदर जो हम लोग अभी करने वाले हैं, या फिर इसने तो बोला था एंडर ड्रैगनी, पर एंडर ड्रैगनी को कैसे, पर अभी देखते हैं हम लोग कैप्चर कर भी पाएंगे। अरे हम लोग गलत जगह पे आ गए, विलेज में जा रहे हैं, हम लोग को यहाँ पे किसी स्नो विलेज में इसने बना के रखा था वो एक्सपेरिमेंट, सामने को है, चलो चलो हाँ मुझे भी पता है वहाँ पे रेड स्टोन वाली चीजें देखनी है, और उसके अंदर पानी डालना है और उसके अंदर ये पर्ल डालना है, तो वो सोल कैप्चर बन जाएगा उससे, वो ऐसे कुछ तो बोला है, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो भूत बाधा हुआ था, ये सुरेश और राबड़ी देवी को भूतों ने तंग करना चालू कर दिया था, सो इसी वजह से कुछ तो था, तो इसने इसने बना के दिया था। घरों के अंदर होगा कि चेस्टों के अंदर होगा, कहाँ पे? नहीं इसने तो यार आधी बातें बताता है ये बंदा, पता नहीं, चेक कर लो ना सभी। ओ ये देखो यहाँ पे भी है रेडस्टोन है भाई यहाँ पे, यस ये इसने कुछ तो सोल कैचर करके, अरे हमारे जूते यार, हमारे जूते नल्ले है, एक मैं जूते निकाल रहा हूँ, लेकिन मंदिर में जा रहे हैं हम लोग जूते निकाल के। अच्छा पानी आ गया है, तो इसके अंदर इसने डालने को बोला है, सिर्फ डाले क्या? करो करो करो, गणपति बापा मोरिया फुली हो जाए। ओ क्या ये क्या था? वेट आप भी डाल दो। ओ सोल और मिला मुझे, सोल और कैसे ये हम लोग को उसने बोला था कि ये लेके आओ, सिर्फ आपको मारूंगा तो नहीं 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 पागल हो क्या, मुझे कैप्चर कर लगे भाई, मैं नहीं 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 कुछ नहीं हो रहा है भाई, तुम मार रहे हो मेरे को, बाकी कुछ नहीं कर रहे भाई, और एसजे के सोल को मैं हीरो को रैंक के अमीन है होगा लाला के साथ नहीं 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 ऐसे नहीं कर रहे भाई, ये चोर है भाई, ये चोर पुलिस नहीं, यहाँ पे नहीं भूत पुलिस नहीं, नहीं नहीं मैंने कोशिश कर लिया पर हो नहीं रहा है, तो टेंशन मत लो, नहीं हो रहा यार आपके, शायद ये तो इंग्रेडिएंट है ना, ये हम लोगों को उसको देना है सोल ऑर्ब। अच्छा कुछ करेगा सो वो इसके साथ वो कुछ तो करेगा और बना के देगा हम लोगों को, जिसके साथ हम लोग कैप्चर कर सकते हैं मॉब्स को जिंदा।
और फिर हम लोग उसको लेके जा सकते हैं। चलो जल्दी चलो यार, बहुत गंदा यार, मतलब लिटरली। पर ठीक है यार स्मार्टी, मतलब अभी देखा जाए तो ना सारी चीजें सॉल्व होती जा रही है, और उसमें आई गेस ये मशीन ना बस हो गया यार, मुझे मशीन डिस्ट्रॉय करनी है, बिकॉज ये हमारे सारी रिसोर्सेज लूट रही है यार। वही यार, और ये वाइब्रेशन से दिमाग ही खराब हो चुका मेरा, रियल वाला बहुत ज्यादा गंदा। एक तो ये वाइब्रेशन बढ़ती जा रही है, एक तो इसका फेज टू हम लोग ने कैसे वैसे करके रोक दिया इसलिए ठीक है, पर इसका मतलब है तो नहीं कि हम लोग ऐसे यहाँ पे भी बना के रखा है ये, देखो यहाँ पे भी, ये इसने सब जगह पे बना के रखा है ये, ये चीज ये भूत को भूत से बचाने के लिए कर रहा है भाई बंदा। ब्रेड ब्रेड नहीं होगा भाई ये, ब्रेड अरे ट्राई करने में क्या जाता है यार, सब ट्राई करके रखते हैं हम लोग। कहाँ पे है भाई साहब प्रोफेसर? तेरे लिए हम लोग वो लेकर आए यहाँ पे तेरी और सिया। तू किधर, ये फिर से मार भी खा के बैठा तो नहीं है कहीं पे, बक्से के अंदर छुपा पड़ा है क्या? मेरे को लग रहा है ना विज़र्ड ने इसको पकड़ लिया, नाले में फेंक दिया कहीं पे भाई, उठा उठा इसका अलग ही नोचे चलते रहते हैं यार जीवन। अरे ये देखो भाई, तू तू टेंशन मत दे यार हम लोग को, ऐसे हम लोग को सीरियस लगा तुझे विज़र्ड ने घुसे भी से मारने के लिए लेके गया। अभी भाई ये ले तेरा, इतना मेहनत करके लाए हम लोग, ये ले तेरा और ये ले तेरा वो सोल वाला नॉनसेंस चीज। खुद करना इस बंदे को ना इतने छोटे काम खुद नहीं करने, हम लोगों को भेजना है उतने दूर तक, इतना बाजू में विलेज था भाई, वो कर रहा है कुछ तो कर कर भाई जल्दी कर। एक तो मुझे ना इसको दुख हो रहा है यार, इसके हाथों को भी बेचारे को जख्मी हो गया, मैंने अब भी नोटिस किया ये। इतनी लाइटरा पड़ी है इस बंदे के पास भाई साहब, वो सब टूटी हुई है, टूटे इसका नसीब ही टूटा हुआ है इसकी आंख से। ओ भाई साहब ये क्या है, क्या है इसके हाथ में देखो, ओ ये कोई तो नेट भाई, हम लोग नेट, अरे मक्खी पकड़ रहे क्या हम लोग, दे दे भाई पकड़ा दो हमें। ओ इतना भाई ये क्या है, कुछ वियर्ड चीज है, सोल ने दोनों ले गया भाई ये बंदा, मेरे को भी दे दे, मेरे को दो ही दिए भाई इसने, आपको आप एक ले लो फिर मैं आप दूसरा भी ले लो, मेरे पास एक काफी है, मैं जरा आपकी सोल निकालने की कोशिश करता हूं इससे। ए भाई मुझे नहीं मार सकते, ए नहीं नहीं अभी मत करना इस, What the hell? इसके ऊपर लिखा भी है कैप्चर्ड नथिंग, अभी तो कुछ भी कैप्चर नहीं किया है, तो संभल के एक बार में हम लोग सिर्फ एक ही चीज को कर सकते हैं, तो तीन विदर या फिर तीन एंडर ड्रैगन ही कैप्चर कर सकते हैं हम लोग। एंडर ड्रैगन तो कहां ही करे, पर तीन मतलब स्टिल तीन विदर करेंगे हम लोग, पर चलो अभी वो करने के लिए अगर वो नेचुरली स्पॉन हो रहे थे उस टाइम पे, नहीं तो वो नहीं मिले तो वो अलग ही लोचा हो जाएगा। इसको देखो काम हो गया तो भाग गया, चलो ड्रीम बॉय के पास चलते हैं अभी। ड्रीम बॉय शायद यहाँ पे है यार, किंगडम के यहाँ पे है वो लाइब्रेरियन के साथ, मे बी लास्ट मैंने वहां पे ही देखा था उसको। चलो फटाफट चलते हैं, चलो फटाफट चलते हैं, इसको कहीं पे दूसरे फालतू एंटिटीज के ऊपर मत यूज करना। इमेजिन करो हम लोग इस नेट के अंदर होगा लाला को कैप्चर कर ले, और उसकी सोल होगी, वो तो खुद ही आत्मा है, पर वो होगा तो सोल ही ना, डार्क सोल, करप्ट सोल, अगर हो सकता है तब तो अलग बात है। अरे ये ले लो ना भाई, इस बार हम लोग को टाइम पास नहीं करना, ये लो। चलो चलो फटाफट चलते हैं, और अलाइट्रा भी लेना पड़ेगा, नहीं नहीं ये तो नहीं ले सकते, अलाइट्रा अलाइट्रा मेरे पास भी है, चलो 1 2 3 लेट्स गो। हम लोग को ड्रीम बॉय को ढूंढना है, ड्रीमी बॉय वेयर आर यू, ये ड्रीम बॉय ने बोला यहाँ पे, वो देखो ए ड्रिम्बू लिम्बू, ए पाऊ क्या काय करतो सज्जो भाई, कैसे हो? अरे मैं बहुत मस्त हूँ, यहाँ पे आ जाओ, आपको कुछ तो एक दिखाना है। स्मार्टी भाई ने क्या पॉल मारी है भाई अभी, मैंने कुछ नहीं देखा है यहाँ पे अभी, मैं सीरियसली एक बात बताने वाला हूँ आपको। पता है एक चीज आपने मुझे बताई थी कि एक विलेज था जहाँ पे विदर स्पॉन हो रहे थे, अरे वो मेरी प्रॉपर्टी है, मैं जमीन लिखवा के आया भाई गवर्नमेंट में अपना नाम। अरे इसको प्रॉपर्टी तेरी केडी किडनी अभी ना बेचे हम लोग, तेरी प्रॉपर्टी कहां से लेके हम लोग भाई, जमीन खरीदी है डायमंड देके, क्या बात। हाँ हाँ जमीन खरीदी है, व्हाटएवर जो कुछ भी है वो लोकेशन के पास हम लोग को लेके जाओ, हम लोग को विदर कैप्चर करने। आपको विदर चाहिए तो समन कर आओ ना यार। नहीं नहीं समन नहीं, देखो वो मशीन पता है आपको, धार दूर करने वाली मशीन जो हिमलैंड्स में सब कुछ सोख रही है, डार्क मशीन, अरे जो हिमलैंड्स में सखी सखी कर रही है सब चीजों को। हाँ तो वो सखी सखी जो डार्क मशीन है ना,
वो डिस्ट्रॉय करने का रास्ता मिल गया है वो प्रोफेसर को, पर उसके लिए हम लोगों को नेचुरली स्पॉन हुआ विदर चाहिए और उसको हम लोगों को इस नेट के साथ, ये देख रहे हो मजेदार चीज, इसके साथ हम लोगों को कैप्चर करना है। ओ बेटे आपने स्पॉन नहीं किए थे, वहां पे नेचुरली स्पॉन हो रहे थे ना उस विलेज में। अरे देखो आप लोगों को मैं बताता हूँ, वो विलेज के अंदर विदर इसलिए समन हो रहे थे क्योंकि वहाँ पे हीरो ब्राइन का कर्स लगा हुआ था और उसी के पास से हीरो ब्राइन समन होके आया है। आपको पता है वैसे हीरो ब्राइन नेदर में था पर उधर एक वो था डेजर्ट पिरामिड जिसके अंदर से हीरो ब्राइन निकला है। तो अभी हीरो ब्राइन कहाँ पे है और वहाँ पे स्पॉन तो हो रहे होंगे ना हीरो ब्राइन? अरे भाऊ मैं पिछले एक घंटे से हीरो ब्राइन को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो मैं बोलता हूँ आजा मेरे अंदर से हीरो ब्राइन, वो नहीं आएगा। देखो देखो दूर हो जाओ उसको ढूंढने के लिए मेरे को भी एक काम कर देना, मैं वहाँ हीरो ब्राइन को ढूंढने जाता हूँ, आप विदर लेने चले जाना। पर वहाँ अरे भाई उधर का कर्ज हट चुका है, वहाँ कहाँ आपको विदर मिलेगा, अब नहीं आते वहाँ विदर। आर यू श्योर? फिर कहाँ पे जाए हम लोग भाई? हम लोग को विदर चाहिए किसी भी कीमत पे, नहीं तो हम लोग नहीं कर सकते भाई। आप याद करो आप और मैं ही गए थे उस विलेज में एक बार, पर वहाँ विदर था कुछ भी नहीं था, वहाँ पे सिंपल प्लेन एरिया था, वो विलेज है नॉर्मल। आर यू श्योर? आपने चेक किया है वापस जाके? हाँ नहीं है विदर, वहाँ कहाँ मिलेंगे आपको विदर? हीरो ब्राइन भी, देखो अभी हीरो ब्राइन गायब हो गए तो मे बी हम लोग वहाँ पे जाके हीरो ब्राइन को अब स्वान कर ले, जैसे आप बोल रहे हो ना कि वहाँ पे जनरेट हुआ था वो, तो अभी उसको फिर से जनरेट करें तो ऐसे कुछ देखो ना हो सकता है क्या? वो जनरेट थोड़ी, अरे भाई वो जनरेट थोड़ी होता है, वो क्या है वो, आप क्या समझ रहे हो उसको, कोई कोबल स्टोन है वो जनरेट हो जाएगा, वो भाई बंदा है। एक बार मुझे इस मांटी को लेके चलो वहाँ पे, कुछ तो वो विलेजर्स को पूछ लेते हैं भाई तुम लोग के ऊपर कहाँ से आ रहा था। आप लेके चलो हमको, बस बाकी सब छोड़ो आप। हाँ चलो ना लेके तो चलो हम लोगों को, कुछ तो मिले हम लोगों को, कुछ भी नहीं है यार, हम लोग फंसे हुए हैं यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड मैन हंट, मैन मैन हंट इजी मैन हंट भाई, ये तो घूटे गले में आ गए थे भाई। चलो चलो जल्दी चलते हैं अभी, अभी वो विलेजर्स को कुछ तो पता होगा। आपने ये तो बोला था कि विलेजर का वो कोई तो लाल वाला बंदा है जो यार क्या टट्टी जूते लोगों के कसम से, ये लो भाई आ जाओ सही लोग ने भाई, सही लोग ने भाई है, सही लोग। रास्ता कहाँ पे है भाई, रास्ता बता दे हमें, हमें तो उड़ के जा सकते हैं। रास्ता हमें इधर से जाना है, इधर आ जाओ। वैसे मेरे को एक बात बताओ ऐसे भाई, मैं वो मशीन अभी तक देख के नहीं आया हूँ, तो उस मशीन ने कितना चूस लिया अभी तक? अभी वो फिलहाल के लिए तो मेन वाले से कम चूस रही है, पर वो नेदर से बहुत ज्यादा चूसा चूस कर रही है। और पता है नेदर का जो टेम्परेचर है कितना ज्यादा हाई हो चुका है भाई साहब, बहुत ज्यादा हाई, एकदम गर्म हो चुका है, एकदम गर्म हो गया भाई नेदर हमारा। लिटरली वहां से ऐसे आग की मशाली बिशाली जल रही है, लेकिन आग ऐसे ऊपर हवा में, अंडे का आमलेट बन रहा खड़े खड़े भाई। लिटरली मैं आप बेस मार्टी को खिला के आया हूँ भाई, तो वो मशीन खुद में कितनी हॉट होगी अगर वो उतने में भी चूस पा रही है। बहुत हॉट है, तुम यहाँ पे काले काले रैबिट्स मारो, आप चलो ना जल्दी चलो ना। ए भाई ये काले रैबिट से क्या मतलब है आपका, देख रहे हो मार्टी भाई, देख लो भाई, ऐसा बोलो कि रैबिट मार रहे हो, काले रैबिट मार रहे हो। अरे काला रैबिट था वहाँ पे, मैंने क्या मुझे ला रहे हैं, बोलो कि आप रैबिट मार रहे हो, काला रैबिट क्यों बोल रहे हो? कितना गंदा आदमी हूँ मैं, सुबह से रात होगी भाई यहाँ पे, रात से अगला दिन हो ही जाएगा, फिर भी ये चलवा ही रहे हम लोगों को। मैं क्या करूँ, कितने दूर लोकेशन है मेरे को क्या पता भाई, ये रैंडम मिली थी पता मेरे को। पहली बात तो ड्रिम्बो है, अगर इन शॉर्ट वो विदर होंगे ना फिर भी उनको पूरा नहीं मानना, उनको 10 HP उनको थकाना है, इसे पोकेमोन की तरह है वो। वो रहा वो विलेज, वहाँ कुछ है, कुछ भी तो नहीं है। हाँ देखते हो वहाँ पे विलेजर्स से पूछ लेंगे यार क्या है, करते हैं या नहीं करते, अभी दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं दिख रहा है यार। पोस्ट करो अगर वहाँ पे, देखो नहीं उनको फिर क्या करेंगे, फिर अब फिर तो लोचा हो जाएगा, फिर तो ड्रीम बॉय आपको भी आना पड़ेगा, तोड़ने की कोशिश करेंगे क्या, दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा यार, सोल कैप्चर करके ना कुछ नहीं तो वो प्रोफेसर को तोड़ने की कोशिश करेंगे, प्रोफेसर टूट गया ना थोड़ा सा उसको पीटेंगे फिर उसको निकलाएंगे भाई, उसको पता है क्योंकि कैसे तोड़ना है, ये इतनी सारी चीजें मतलब ये उसका ही रास्ता है देखा जाए तो मशीनें तोड़वाने का।
क्या हुआ? What? मतलब हो रहा है भाई, पर पूरा मत मानना बच्चों, पूरा मत मानना इन लोगों को। स्मार्टी आगे आ जाओ, स्मार्टी जल्दी आगे आ जाओ। पॉसिबल ये तो खत्म हो गया, पॉसिबल गया तेल लेने भाई, चार पांच है। स्मार्टी इन लोगों को हम लोगों को 10 एचपी तक लाना है और उसके बाद कैप्चर करना है। हम लोग पहले कैप्चर नहीं कर सकते, हमारे वेपन्स टूट जाएंगे। चलो गणपति अप्पा मोरिया जो होगा देखा जाएगा। वो बेटे तू मिलेगा ड्रीम बॉय से, मारो एक एक के धर दो भाई। भाई बहुत ज्यादा आवाज है भाई इन लोगों का। पूजा नाना जी टंगी आ तू नाइस बॉय। अरे पता है यार मत मेरे पास, मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है जो भाई, प्लीज हेल्प मी सूरे। ओके ओके आना बेटे नीचे, नीचे आओ रे, नीचे आओ ना ये चूजो तेरी पकड़े। अरे ये सैंड के ऊपर लगना बहुत मुश्किल है, मैंने जूते तोड़ दिए। कुछ भी नहीं भाई, तीन तो मेरे पीछे ही है यार, क्या कर रहे हो? अरे कैसे मारे? अरे मैं मंदू एक नंबर का इंसान। रुको मैं अपनी तीर कमान लाता हूँ और उनसे इन्हें बताता हूँ। वेट, मेरी बैक पे ना ट्राइगन उड़ गया। मेरा मेरा आपको जाने दियो, मेरे पास कुछ भी नहीं है यार, ये बहुत हाइट पे मार रहे हैं। भाई साहब ये कैसे? मैं इधर आ, तू बैठे तेरे को मैं बताता हूँ, रुक मेरी एरो मारेगी तेरे को। मेरे को कॉल मार भाई साहब, मेरी बैड बच गया। मेरे को किसने ब्रो 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 वही तो समझ नहीं आ रहा है। तो नीचे विलेजेस है, नीचे विलेजेस है, हमको ऐसे किसी ने फंसा दिया यहाँ पे, ये अपनी हेल्थ रीगेन कर रहे हैं। मैं ऊपर आने की कोशिश कर रहा हूँ विलेजेस है यहाँ पे। भाई साहब कम ऑन, वी कैन डू दिस। मेरे पीछे पड़ा हुआ ये सूरज, अबे टच कैसे करूं उसको मैं? एक मर गया क्या? एक मर गया क्या? नहीं नहीं नहीं, ये दूर दूर खिसक गए, मेरे पास आ गए। oh nice, oh इनको एक एक करके मारना पड़ेगा, एक एक करके। मेरे पीछे एक पड़ा है मेरी बैड बजा रही है। गाइस 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 इनको अलग अलग करना पड़ेगा, इनको अकेले अकेले में मार सकते हैं हम लोग, एक साथ नहीं मार सकते। बहुत रीगेन क्यों हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं ये लोग। मैं कुछ तो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इधर रुको। जो बना रहे हो प्लीज दो बनाना। ओके एजो भाई फुल एकदम तीनों के लिए बना दिया मैंने। वेट एजो मेरे पास आ, मैंने इसको ऑलमोस्ट मार दिया, जल्दी आओ कैप्चर करो इसको, जल्दी 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 प्लीज। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं कैप्चर करने वाला हूँ अभी। रुको रुको रुको, करो ना मेरे, कल करोगे क्या? ऐसा वाला है जो डैमेज्ड है। हाँ मिल गया, जो 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 ज्यादा वो कर रहा है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला पकड़ है। साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, तुम लोग कैप्चर हो जाओगे। मैं हो गया, मैं साइड हो गया कितना मुश्किल है। रुक जा कुत्ते। किस
ये कितने शाने लोग हैं, ये जानबूझ के सैंड में स्पॉन हुए हैं। अरे जो भाई ने बोलो टूजर नाना जी टांग, तुम क्या नाना जी टांग, मैं मर्डर कर दूंगा तुम सबका। मुझे कोई एरोस दे दो प्लीज, मुझे एक एरो की जरूरत है, नॉर्मल वाले प्लीज। मेरे पे एरो नहीं है यार। ये लोग मेरे से लो, मेरे से लो, जल्दी पीछे आओ, पीछे आओ। नॉर्मल एरो। ए जो भाई मेरे पास है, मेरे पास है एरो, लो लो लो। जल्दी दे दो, जल्दी दे दो। अरे उड़ा रहा है, ये लो ये लो। अरे फेंक दिया पीछे। एरो है क्या? एरो नाइस। मेरे पे ये कुत्ते लोगों ने डिस्ट। भाई साहब मेरे साथ क्या हो रहा है यहां पे? भाई मेरे को बचाओ कोई तो प्लीज, भगवान के लिए मेरे को बचा लो, मैं मरने वाला है। मेरे बच्चे, मैं आपको मरने नहीं दूंगा एसजो भाई। पानी में जाओ, पानी में जाओ, पानी में जाओ, पानी में जाओ। इसे मिले बिना मैं आपको मरने नहीं दूंगा। मुझे एरो, 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 गिव मी एरो, गिव मी एरो। अरे मेरी तरफ आओ भागते हुए, मैं एरो देता हूँ ना। अरे मेरे पीछे ये लोग लग गए, हाथ धोके लग गए भाई। ये लो ये लो लो एसजो भाई, एसजो भाई, ये लो ये लो। वेट वेट वेट, आ जाओ, ये लो ये लो ये लो। अरे उठा ना बाबा, उठा ना जी। अब उठा लिया मैंने, उठा लिया, मैंने उठा लिया। मेरे पास से ये लोग, जल्दी आओ। हाँ फाइनली फाइनली, मैं भागेगा, मैं भागेगा, मैं भागेगा। ऊंचा नाना चीटांग, अभी पेल देंगे हम लोग इनको, अभी इजी। ड्रीम बॉय मुझे कैरेट्स दो, कैरेट्स, कैरेट्स मुझे खाने की जरूरत है। मेरे पास आओ, ये पकड़ो, पकड़ो, यहाँ पे आ जाओ। थैंक यू। अरे कहाँ पे? जल्दी डूड, यहाँ पे कहाँ, कहाँ पे? मरने वाले थे, मरने वाले। कैप्चर करो, कैप्चर करो इसको, इसको कैप्चर करो। कौन है? मेरे को कैप्चर कोई नहीं करेगा, मैं जा रहा हूँ भाई। नीचे वाला बंदा ना, मैं कैप्चर कर रहा हूँ, मैं कैप्चर कर रहा हूँ। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जितने टाइम। ओह बच गया, मैंने कर लिया, मैंने कर लिया। उसे कैप्चर करो, वो लास्ट एचपी है, उसे मैंने लास्ट कर दिया। मैं आ रहा हूँ। अरे नल्लो, अरे रुक, मैंने कर लिया, मैंने कर लिया, मैंने कर लिया, मैंने कर लिया। एक और को मारता चल, ऐसे वैसे ही मेरे पास थी, आपके पास है, जाओ आपको करना पड़ेगा भाई। मेरे पास है, इधर आओ, ये लास्ट एचपी है अभी। मेरे पास यार सब सैंड ही सैंड थी मेरे पास। चलो यार, बाप रे, जीवन एक समस्या हो गया। अरे ये अभी तक मेरे पीछे है यार। अरे क्या तेरे को प्रॉब्लम क्या है जीवन में? जो भाई रुको रुको, आप लोग चले जाओ, मैं यहाँ से निकलता हूँ हीरो ब्रांड को लाने के लिए, ठीक है? यहाँ से पास भी पड़ता है। यहाँ से निकलू तो सही, पहले निकलो तो सही। हमला करो तब जाके होगा, तब जाके आपको पीछे पड़ेगा। कर दिया ब्रो मैंने हमला, मार दिया। तो आप वो अभी भी ऐसे भागो भागो भागो, उसके पीछे पड़ गया ड्रीम बॉय के पीछे। बाप रे बाप, क्या था ये? अरे ये क्या, मेरे पीछे पड़े हैं भाई साहब, शादी करेगा क्या मेरे साथ? ए इधर लड़की है क्या तू? ये लड़का ही है। अरे भाई नहीं, भाई नहीं करना भाई, तीन तीन मुंह वाली लड़की। अरे यार मेरी तरफ आओ ना, इज्जत भाई मैं आपको कॉल देता हूं, भाग जाओ। एक मुंह वाली लड़की इतनी ज्यादा बड़बड़ करती है, ये कितनी बड़बड़ करेगी तीन मुंह वाली लड़की? ये लो, पल, पल, पल पल पल, और लेके जाओ ने। भाई क्या पल, मेरे पास इन्वेंटरी नहीं है, वो डिस्ट्रॉय हो गई। मेरे पास इन्वेंटरी नहीं थी यार, दूसरी पल नहीं आपके पास? दो तीन दोनों दे दी थी, वो डिस्ट्रॉय हो गई। बाय 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 ड्रीम बॉय। जब वाह क्या, मैं निकलता हूँ यहाँ से हीरो ब्रांड को ढूंढने के लिए। स्मार्टी आप कहाँ पे हो? मैं इधर ही इधर हूँ, मैं आप जहाँ उठ रहे हो नीचे रखो, नीचे नीचे हूँ मैं। ब्रो ब्रो कहाँ पे हो? यहाँ पे हूँ मैं, इधर इधर ही जहाँ उठ रहे थे आप। क्यों कहाँ पे? आ मिल गए मिल गए मिल गए मिल गए मिल गए मिल गए। वो क्या है अभी यार, कसम से मेरे कान, मैं किसी को सुन नहीं पा रहा था। ओ देखो ड्रीम बॉय जा रहा
है टूटता तारा की तरह गया भाई वो। ए ये वापस आ रहा है विदर भागो, मैं बोल रहा हूँ भागो भाई, ये कच्चा खा जाएगा भाई, इसको क्या ही इश्क हो गया मेरे साथ भाई, मैं रक्षाबंधन को मिलना भाई तुम कान की भुर्जी भाई, पर तोड़ देगा वहां पे सब कुछ यार, बढ़िया हो जाएगा। वही तो चाहिए हम लोगों को, सब कुछ बर्बाद करना है हम लोगों को, वो पूरे जो कुछ भी वो गोल्ड वाला बंदे का प्लान है। मैं तो बोल रहा हूँ आप उसके ज्यादा से ज्यादा दोस्त बने रहो, उससे ना सारी प्लान्स निकलवाओ कि उसको क्या करना है। निकालूंगा भाई, सब निकालूंगा उससे, और उसके साथ अच्छे बिहेव करो और सारे प्लान हम लोगों को बताओ, फिर उसके प्लान तोड़ने के लिए हम है। बस ठीक है डन, आप बिल्कुल उसके प्लान तोड़ना मत, सिर्फ खबरें निकालो। बाप रे सुबह होने को आई यार, फिर भी हम लोग यहाँ पे है। अभी चलो यार एलाइट्रस से धनाधन चलते हैं, अभी बिल्कुल टाइम पास नहीं। ओ प्रोफेसर जी तेरा काम पूरी तरह से किया हम लोग ने, अभी हम लोग अंदर जाने वाले, ये पढ़ाई लिखाई बस, इसका अभी तक आँख सूजा हुआ है भाई, चंदन लगा भाई तू, चंदन चंदन घिस आग के ऊपर भाई, चंदन का घिस तू, चंदन का धुआं लगा दे आंख पे ठीक हो जाएगा। ना गंदा हूँ मैं। ओ मैंने अच्छा। गलती से ही पे इसको रिलीज कर देता अभी गलती से। अरे पागल हो यार, आपका कुत्ता मर जाएगा, आप एक खानदान मर जाएगा हमारा। अच्छा ये तो बोल रहा है कि दो से काम हो जाएगा, ये बोल रहा है कि तीन की जरूरत भी नहीं है, कोई नहीं कोई नहीं, दो एक रखते है ना, ये दूसरी वाली मशीन भी फोड़ देंगे, एक अभी फिलहाल को इन्वेंटरी पे रखते चलते हैं। चलो चलो लेट्स गो बॉय, जो होगा देखा जाएगा। अरे तुम लोग आ भी गए, प्रोफेसर खड़े रहते हैं सीधा, और एक अपनी मुंडी घुमा दो नीचे के लिए करो मुंडी, देखते हैं इसकी मुंडी दिखती है पूरी गर्दन। ओ भाई इतना चीटी कर, आप करो तो मशीन मशीन है ये, आप करो तो आपका तभी नॉर्मल है, इसका देखो मेरा देखो तो, आपका तो पूरा काला काला ही है, कितना अजीब है। अरे तुम लोगों को मशीन तोड़ रहे हैं भाई हम लोग, और इनको मुंडिया देखनी है भाई, रेडी है तू? जल्दी चलो भाई, ऐसे कुछ भी गड़बड़ हुई ना, ये विदर मेरे पास फायर रेजिस्टेंस का पोशन है, मारू क्या आप मारो दोनों को लग जाएगा, और मेन बात है कैसे चलेगा क्या, अभी नहीं मारना, मेन बात ये है कि वैसे छूट भी जाएंगे अगर विदर ना तो फर्क नहीं पड़ता है, दो दो शॉट पड़ेंगे तो मर जाएंगे, बहुत कम हेल्थ इनके ऐसे है ना। अच्छा ये प्रोफेसर बोल रहा है कि हम लोग को इसको देना पड़ेगा ये मशीन्स, और ये कुछ तो यहाँ पे ऑटोमेटेड करना चाहता है, फिर हम लोगों सिर्फ लीवर फ्लिप करना है। वो बेस्ट है ना, क्योंकि मैं एक्चुअली जा रहा था सच्ची में अंदर जा रहा था खुद करने के लिए। आप खुद जाओगे खुद पॉन करोगे, विदर आपके पीछे नहीं पड़ जाएंगे। हाँ चलेगा, ये ले भाई ये ले भाई, तू कर ले, तुझे जो करना है वो कर ले, सिस्टम बहुत जरूरी है। वैसे भी वैसे ये देख लो गाइस, जिन्होंने देखा नहीं ये देखो, दिस इज सो लेट, और इसके बाद हम लोगों ने कैप्चर करके लाया विदर पूरा का पूरा जिंदा। ब्रो यो ब्रो ये देख रहा है ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे आपको लीवर लगाना है वाला, ठीक है यहाँ फ्लिक करेंगे वहां पे स्पॉन होगा। हाँ। जल्दी ऑटोमेटिक सिस्टम में हम, और ये तोड़ तब तक स्मार्टी ये तोड़ते है क्या, थोड़ा अच्छा व्यू दिखेगा। हां मैं तोड़ दूंगा, चलो तोड़ जानते करी, तू आगे का ब्रिज बना एक बारी भाई, पहले इसको आगे का ब्रिज बना दो एंड देन एक साइड से तोड़ो। चलो कर, अभी अभी सीरियस होते हैं, अभी दिस इज लाइक एन हैप्पीएस्ट मोमेंट हिमलैंड्स के इतिहास में, कि इस बार इतने अच्छे से ये वर्क करेगा होपफुली, ऐसे ये बोल रहा है। ये देखो ना कितना कूल दिख रहा है, यहाँ पे आ जाओ, क्या हो गया यहाँ पे देखो ना ये कितना कूल दिख रहा है, केव मतलब व्हाटएवर जो कुछ भी है ये, ओ ओ बहुत खूबसूरत, बहुत ज्यादा खूबसूरत। ओ भाई साहब प्रोफेसर कहाँ पे बना लिया ये, इसने पूरा भाई हम लोग उड़ बिड़ के आ गए यहाँ पे। जो विदर है ना वो ज्यादा फास्ट तरीके से इस पूरी की पूरी मशीन को तोड़ दे, तो उससे क्या होगा जब ये मुंह के सामने बहुत सारे स्ट्राइडर देखेगा ना तो इन पे हमला करेगा, हमला करेगा तो मशीन टूटेगा, हमारा हिमलैंड को बचाना है बस, और दैट्स लाइक अ ओपी प्लान मैन, स्मार्ट है तू बहुत ज्यादा। ओके तो मैं लीवर फ्लिक करूं,
थोड़ा सा नर्वसनेस तो हो रहा है गणपति बप्पा। ए सिनेमैटिक मोड, सिनेमैटिक मोड कर दूं क्या? उड़ते भी दिखाएगा। चलो स्टार्ट करें। भाई मुझे थोड़ा डर लग रहा है। ओके प्रोफेसर जी, आर यू रेडी? स्मार्टी, आर यू रेडी? आई एम रेडी बॉय, लेट्स गो। करो 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 करो। ऑफिशियली आपने परमिशन दिया हिमलैंड्स को नष्ट करने का। हाँ भाई करना पड़ेगा। मेरी बात सुनो गाइस, अपने अपनी जगह पे छुप जाना, विदर हमारे ऊपर हमला ना करे गलती से भी। हाँ चलेगा, जैसे ही मैं क्लिक करूँ छुप जाना तुम लोग, मैं भी कर रहा हूँ। वन गणपति बप्पा मोरिया, वन टू थ्री। ब्रो यहाँ पे तीन कैसे हो सकते हैं? तीन कैसे हो गए एसडीओ? कहाँ पे? मुझे तो दो ही दिख रहे हैं। अरे तीन है ऊपर, देखो ना भाई, तोड़ रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? मुझे वो नहीं समझ में आ रहा। आवाज नहीं आ रही क्या आपको? ओ भाई साहब, एक्चुअली में भाई पेड़ लगा दिया इन्होंने स्टार्टर्स के ऊपर पेड़। ब्रो ये तोड़ नहीं पा रहे, ये भी तोड़ नहीं पा रहे, पर ये ना उनके आर पार जा रहे हैं, मशीन के आर पार। व्हाट? हाँ देखो ना उसका मुंह, देखो ना मशीन के आर पार घुस रहा है। ब्रो ओ भाई साहब, थोड़ा दूर आओ, ये बहुत ओपी है इसका मतलब। मशीन एक्चुअली स्ट्रांग है ब्रो। अरे ऐसे विदर तो ऑक्सीडेंस में तब सब तोड़ लेता है। ये क्या थोड़े ब्लॉक्स टूट रहे हैं, थोड़े ब्लॉक्स टूट रहे हैं, थोड़े तो बॉय वाइब्रेशन बंद हो गया फाइनली। पागल की तरह जो बहुत ज्यादा वियर्ड है, कितना खूबसूरत लग रहा है। पर मुझे पहली बार बर्बादी देखते हुए मजा आ रहा है। वो विदर छेद करके वापस बाहर आ गया, पूरा छेद कर दिया उसने। जो अपने आप को अंडू कर लेता है सारी चीजों को। हमसे कुछ ना हो पाया, नेचर ने विदर ने ही डिस्ट्रॉय कर दिया इस मशीन को। वही भाई, मैं तो निकल रहा हूँ यहाँ से। अब देखो आप, पूरी तरीके से मशीन डिस्ट्रॉय हुई नहीं, बाप रे, इसके जो ब्लॉक्स टूटे ना एसडीओ, उससे कागज का सर्किट शायद अंदर का खराब हो गया। हाँ, तो वही होता है ना, मशीन का एक भी कनेक्शन अगर टूट गया तो ऑब्वियसली वो खराबी होनी है। और अब यहाँ पे ना पूरे तरह से वाइब्रेशन बंद हो गया। अबे तो हमको डर ही नहीं लगता साहब, ये जो डिस्ट्रक्शन करने वाली मशीनें थी उनका बेड़ा गर्क हो गया है। पर स्टिल हिमलैंड्स के ऊपर तो ये मशीन आई है जो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर ही रही है। सो उसको कैसे तोड़े वो अभी प्रोफेसर हम लोगों को होपफुली कुछ दिनों में बता ही देगा। नहीं बताया तो तेरी दूसरी आंख भी फोड़ देंगे हम लोग। सो इसकी आंख हम लोग फोड़ते हैं। तब तक लीव अ लाइक, सब्सक्राइब, बिकम अ ज़ीरो नॉटली सुपर डुपर ऑसम, चेक आउट सम मोर वीडियो, चेक आउट गॉड ऑफ वॉर द बेस्ट गेम ऑफ द ईयर आफ्टर हिमलैंड्स। तो प्लीज मेक श्योर चेक आउट गॉड ऑफ वॉर की वीडियोज and God of War Ragnarok videos. So thank you so much for watching.